उमड़ी है पर्यटकों की भीड़। मथुरा वृंदावन की गलियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर जगह पर जाम की स्थिति बनी हुई है। छुट्टियां बिताने के लिए भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं पर्यटक। भीड़ के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हो गए हैं। शहर के बाहर गाड़ियों का जाम है, शहर के अंदर पर्यटकों की भारी भीड़ है। मथुरा वृंदावन बरसाना सभी जगह पर एक जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, पर्यटकों की भारी भीड़। इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के बीच की जो गली है वो किस तरह से ठसाठस भरी हुई है। और सिर्फ ये वृंदावन नहीं बल्कि मथुरा और उसके आसपास बरसाने में भी इसी तरह की स्थिति है। लगातार दो तीन दिनों की छुट्टी की वजह से जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं मथुरा। ऐसी कई जगहें दिल्ली एनसीआर की जो आसपास हैं वहां पर इसी तरह से पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। और मथुरा में इसे लेकर जाम की स्थिति है। सड़कों से लेकर मंदिर तक लोगों का रेला देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर उसके आसपास के क्षेत्रों में जो तमाम पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं नजदीक के धाम में। भगवान के दर्शन के साथ साथ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वहां के स्थानीय निवासी है वो काफी ज्यादा इसे लेकर परेशान है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन गौतम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जो तस्वीरें सामने आई हैं ऐसी तस्वीरें होली या फिर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर ही देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर कोई खास पर्व नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। बात करूं तो जो तस्वीर है ये पितृपक्ष के दौरान की तस्वीरें हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में जो श्रद्धालु हैं उनका आवागमन कम रहता है, लेकिन इस बार जो है पितृपक्ष में क्योंकि लगातार तीन दिन का अवकाश पड़ा हुआ है इसके चलते जो श्रद्धालुओं की भारी संख्या जो है मथुरा वृंदावन में आई हुई है। अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या केवल मथुरा वृंदावन में देखने को नहीं मिल रही है। गोकुल है, बरसाना है, नंदगांव है, गोवर्धन है, जो भी तीर्थ स्थल है जहाँ पर भगवान कृष्ण लीला करी थी, जो प्रमुख ब्रज के मंदिर है, उन सभी पर श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो तांता दिखाई दे रहा है। आस्था का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन नितिन ऐसे में जाम का जाम भी यहाँ पर देखा जा रहा है, जाम लगा हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कोई इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि बड़ी संख्या में अगर लोग पहुंच रहे हैं तो वो आसानी से दर्शन कर सके? लगता है नितिन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पर्यटक मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में वृंदावन बरसाने, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि हर जगह आपको इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। वीकडेज में भी छुट्टी है, वीकेंड भी लंबा हो गया था, इसलिए शनिवार रविवार सोमवार इस तरह की छुट्टी को लेकर लोग अब पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। और मथुरा वृंदावन उसके आसपास के इलाकों में स्थिति बेहद खराब हो गई है, जाम की स्थिति है और सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर रहने वाले लोगों को और जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उन्हें भी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है।